दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम, देश रोजाना यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं अक्सर जब भी अपने वीडियो शुरू करता हूं तो कई स्टोरी में अक्सर कहता हूं कि वक्त बड़ा बलवान है। महाभारत की एक पंचिंग लाइन होती थी, मैं समय हूं, और समय के साथ साथ सब कुछ बदलता रहता है। और इसी तरीके से कोई गाना रहा है, पूरा मुझे नहीं है लेकिन एक आध लाइन याद है कि ना कोई रहा है ना कोई रहेगा, हमेशा के लिए कोई नहीं रहता, सबको एक दिन जाना है। और घमंड का सिर नीचा, और घमंड तो महाबली रावण का भी नहीं बचा था। तो दोस्तों, मुझे एक बात हमारे माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की याद आ रही है। आज अपने पिछले कार्यकाल में संसद में मोदी जी अक्सर अपना सीना ठोक ठोक कर कहते थे कि एक अकेला सब पर भारी। लेकिन दोस्तों, समय ने अपना खेल दिखाया और आज वही नरेंद्र मोदी जी जो एक अकेला सब पे भारी का नारा अक्सर चाहे संसद हो चाहे बाहर हो दिया करते थे, आज जो माहौल बदला है, आज जब भाजपा 272 के बहुमत को भी नहीं छू सकी है और जोड़ तोड़ के जैसे तैसे भाजपा की सरकार तो बन गई है, लेकिन आज वही मोदी जी कहते हैं कि देश चलाने के लिए सहमति जरूरी है, सबकी सहमति जरूरी है, सबके साथ मिलकर चलना जरूरी है। आज वो विपक्ष को भी साथ लेकर चलने की बात कर रहे हैं, विपक्ष को भी कह रहे हैं कि उन्हें सकारात्मक भूमिका निभानी चाहिए और सरकार को कॉपरेट करना चाहिए। विपक्ष आने वाले समय में अपनी मजबूत और सकारात्मक भूमिका निभाए और भाजपा सरकार को राजकाज चलाने में अपना सहयोग करे, विरोध ना करे, विरोध के लिए विरोध ना करे, और हम विपक्ष से सकारात्मक भूमिका की उम्मीद करते हैं। इस तरीके की उन्होंने सबको साथ लेकर चलने और सकारात्मक भूमिका अपनाने की बात की है। ये वही मोदी जी हैं जो सीना ठोक कर कहते थे कि एक अकेला सब पर भारी। तो दोस्तों, समय बलवान है, वक्त ने दिखा दिया कि घमंड किसी का नहीं रहता। तो वक्त ने मोदी जी का भी घमंड तोड़ दिया है। दोस्तों, लोकतंत्र में जनता महान होती है, जनता का जनादेश महान होता है, जनता ही किसी को जिताती है, जनता ही किसी को हराती है। तो जनता से बड़ा लोकतंत्र में कोई भी नहीं है। जनता को चैलेंज नहीं करना चाहिए, वो जब चाहेगी किसी को आकाश पर पहुंचा देगी, कुर्सी पर पहुंचा देगी, और यदि कोई नेता उसकी नज़रों में खटक गया तो उसे देश की जनता जमीन भी सुंघा देती है। और ये कई बार इतिहास में दर्ज हुआ है कि किस तरीके से श्रीमती इंदिरा गांधी को देश की जनता ने औकात बताई थी, उसी तरीके से इन चुनावों में देश की जनता ने भाजपा और मोदी जी का घमंड तोड़ा है। तो हम और देश की जनता ये उम्मीद करते हैं कि भाजपा और मोदी जी
अपना पिछला रवैया छोड़कर सारे विपक्ष को साथ सम्मान के साथ लेकर देश को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। इसी में हम सबकी और देश की, भाजपा की, मोदी जी की और विपक्षी दलों की भलाई है, क्योंकि देश की जनता सिर्फ ये चाहती है कि देश के नेता या दल आपस में लड़कर शक्ति अपनी ना नष्ट करें, लोकसभा को जंग का अखाड़ा ना बनाएं, बल्कि देश की जनता की जो समस्याएं हैं, चाहे वो भूखमरी की है, चाहे वो महंगाई की है, चाहे वो बेरोजगारी की है, चाहे लोगों के इलाज की है, चाहे लोगों को शिक्षा देने की है, इन मुद्दों पर पक्ष और विपक्ष दोनों मिलकर देश की समस्याओं का समाधान करें। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का मुद्दा। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।